अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां एक बार फिर लाडकुई वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और जहां अपने भाषणों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश में माफिया राज को खत्म कर देंगे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में माफियों के द्वारा लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है। सागौन की बेशकीमती लकड़ियों को तस्करी बस्तूर जारी है। बड़ा सवाल यह है कि यह लोग किस तरह से बच निकलते हैं, जब आप इस गाड़ी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह गाड़ी के पीछे की ओर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, आगे की ओर भाजपा का निशान है, कमल का फूल लगा रखा है, जिससे वाहनों को रोकने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर सकता। इन दिनों क्षेत्र में वाहनों पर प्रेस, पुलिस और मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ देखा जा सकता है। यह लोग बेखौफ वाहनों को घुमाते हैं, लेकिन इनकी जांच करने वाला कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए इन लोगों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं और यह लोग अवैध कारोबार में लिप्त बेखौफ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वन परिक्षेत्र लाडकुई द्वारा वनों से अवैध रूप से सिल्लियों का परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत दिनों जहां वन विभाग ने मारुति से परिवहन करते हुए 8 नग सिल्लियां जब्त की थीं, वहीं रात्रि को गश्ती के दौरान वन विभाग द्वारा एक बोलेरो जीप सहित 14 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की गयी। वहीं देखने वाली बात यह है कि भले ही वन विभाग द्वारा अवैध सागौन की सिल्लियों के परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही हो, लेकिन इन कार्यवाही से एक बात तो स्पष्ट होती है कि लाडकुई वन परिक्षेत्र में वनों की कटाई लगातार जारी है। हम लोगों को मजबूर की सूचना मिली, सोनाइड के मार्ग से होते हुए ये अपराधी ने 22 से 23 किलोमीटर तक गाड़ी को भगाया। उसके बाद में खाचाखेड़ी स्कूल के पास इस व्यक्ति द्वारा उसको खाली करने का प्रयास किया। मौके पर हम तुरंत पहुंचे, पुनः ये भागने में सफल रहा, लेकिन कच्चा रास्ता था, वहाँ पर गाड़ी फंस गई जिसको हमने पकड़ लिया, जिसमें 14 नग सागौन सिल्लियाँ भरी हुई थी।